2000 साल पहले यूनानी विद्वानों द्वारा बनाई गई विश्व के 7 अजूबों की सूची को 7 जुलाई 2007 777 को दोबारा संशोधित किया गया। चूँकि पुरानी इमारतों में से अधिकांश टूट फूट चुकी हैं, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से 1999 से शुरू हुई एक प्रतियोगिता के जरिए इस नई सूची को बनाया गया। 2005 से इसके लिए मतदान शुरू हुई, जिसमें से दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया। दुनिया के नए अजूबे अपने निर्माण और लोगों में लोकप्रियता की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दुनिया के 7 नए अजूबे कुछ इस प्रकार से हैं। दुनिया के नए 7 अजूबे, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील के रेडियो जनेरिचो में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फुट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर अर्थात द्वारा करने वाले ईसा मसीह की मूर्ति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति कंक्रीट और पत्थर से बनाई गई है। यह ईसा मसीह की इस संसार में सबसे बड़ी मूर्ति है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच हुआ। यह बहुत ही नवीन है। रात के समय इसका नज़ारा अद्वितीय होता है। चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन ने अपने सुरक्षा के लिए अपनी सभी सीमाओं को एक दीवार से घेर दिया था, जिसे चीन की दीवार कहते हैं। यह दीवार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बन चुकी थी और 16वीं सदी तक बनती रही। ये चीन की उत्तरी सीमा पर बनाई गई थी, ताकि मंगोल आक्रमणकारियों को चीन के अंदर आने से रोका जा सके। यह संसार की सबसे लंबी मानव निर्मित रचना है, जो लगभग 4000 मील 6400 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई 35 फुट है, जो इसे सुरक्षा देती है। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक गश्त लगा सकते हैं। जर्डन का पेंट्रा, ऐतिहासिक शहर पेंट्रा अपनी विचित्र वास्तुकला के लिए दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यहाँ तरह तरह की इमारतें जो लाल बालुओं पत्थरों से बनी हैं और सब पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। इसमें 138 फुट ऊंचा मंदिर, नहरें, पानी के तालाब तथा खुला स्टेडियम है। पेट्रा जर्डन के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ उसकी कमाई का जरिया है। पेट्रा पर्यटन के लिहाज से जर्डन के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ताजमहल, ताजमहल दुनिया में प्यार से प्यारा और खूबसूरत एहसास कुछ नहीं होता। दुनिया में प्यार से प्यारा और खूबसूरत एहसास कुछ भी नहीं होता। प्यार की इसी खूबसूरती को इमारत की शक्ल दी। भारत के मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। यह 1632 में बना और 15 साल में पूरा हुआ। उसने अपने जीवन के अंतिम दिन कैद में से ताजमहल को देखते हुए बिताए थे। यह खूबसूरती मुगलों
वाला महल चारों तरफ बगीचों से घिरा है। क्षितिज पर इसके ताज के आकार के अलावा कुछ नज़र नहीं आता और मुगल शिल्पकार का ये सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। रोम का कोलोसियम, कोलोसियम ऑफ रोम, यह एक विशाल खेल स्टेडियम है जिसे लगभग 70 सदी में सम्राट वेस्पेसियन ने बनवाना चालू किया था। इसमें 50,000 तक लोग इकट्ठे होकर के जंगली जानवरों और गुलामों की खूनी लड़ाइयों के खेल देखते थे। इस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। इस स्टेडियम की नकल करना आज तक नामुमकिन है। इंजीनियरों के लिए अब तक यह एक पहेली बनी हुई है। मंचू पिच्चू 15वीं शताब्दी में सतह से 2430 मीटर ऊपर यानी एक पहाड़ी के ऊपर बने एक शहर में रहना और उस शहर को बनाना अपने आप में अजूबा ही है। दक्षिण अमेरिका में एडिज पर्वतों के बीच बसा मंचू पिच्चू शहर पुराने इक्का सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। माना जाता है कि इस कभी यहाँ कभी यह नगरी संपन्न थी, पर स्पेन के आक्रमणकारियों ने अपने साथ चेचक जैसी बीमारियां यहां ले आए जिससे यह शहर पूरी तरह तबाह हो गया। चिन्ने इत्जा मैक्सिको में बसी चिंचिन इत्जा नामक ये इमारत दुनिया में माया सभ्यता के गौरवपूर्ण काल की कथा गाती है। उस समय के कुशल कारीगरों की मेहनत को यह इमारत अपने आप में संयोजी हुई है। शहर के बीचों बीच कुंकुलन का मंदिर है जो 79 फीट की ऊंचाई तक बना है। इसकी चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं। प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है और 365वां दिन ऊपर बना चबूतरा है। सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हजार साल पहले यूनानी विद्वानों द्वारा बनाई गई विश्व के 7 अजूबों की सूची को 7 जुलाई 2007 को दोबारा संशोधित किया गया। चूँकि पुरानी इमारतों में से अधिकांश टूट फूट चुकी हैं इसलिए इंटरनेट के माध्यम से 1999 से शुरू हुई एक प्रतियोगिता के जरिए इस नई सूची को बनाया गया। 2005 से इसके लिए मतदान शुरू हुई जिसमें से दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया। दुनिया के नए अजूबे अपने निर्माण और लोगों में लोकप्रियता की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दुनिया के 7 नए अजूबे कुछ इस प्रकार से हैं। दुनिया के नए 7 अजूबे क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील के रेडियो जनेरिचो,
में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फुट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर अर्थात द्वारा करने वाले ईसा मसीह की मूर्ति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति कंक्रीट और पत्थर से बनाई गई है। यह ईसा मसीह की इस संसार में सबसे बड़ी मूर्ति है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच हुआ। यह बहुत ही नवीन है। रात के समय इसका नज़ारा अद्वितीय होता है।